ये देखें जी, ये एक ट्यूटा प्रीमियम 1.8 है, बहुत ही प्यारी और लश कंडीशन में है। ये इनके सेलर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, शुक्र। अच्छा, गाड़ी जब बहुत ज़्यादा मैं मेंटेन की हुई थी, ज़रा थोड़े से इसके बारे में बताइएगा। ये 2005 है और 2008 की इम्पोर्ट है, 8 रजिस्टर्ड है। ठीक है। और इसकी ओरिजिनल माइलेज है 34,580। ठीक है। और जब ये पाकिस्तान आई 2008 में, तब ये 6,800 चली थी, तो इसकी डिमांड 45 लाख है। बाकी ये भाई जिन्होंने परचेज की है। अस्सलाम वालेकुम जान, मुबारक हो बहुत, माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी, और अल्लाह आपके नसीबों में करे। आपने गाड़ी इंस्पेक्शन वगैरह थोड़ी सी करवाई है? जी, इंस्पेक्शन के लिए भी बोला, अभी बंदा आ जाता है, लेकिन गाड़ी देख के ही हमें पसंद आ गई थी। और जब हम सुबह एंटर हुए तो उसी वक्त हमारी नज़र थी इस गाड़ी पे। ठीक तो है। बाकी गाड़ियां भी देखी हैं, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं, लेकिन हमारी पसंद यही थी। और हमारी जो एक हम रैकेट लेके आए थे उसमें बड़ी फिट आई है, और 45 इनकी डिमांड थी, 40 में हमारी डील हो गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, हम खुश हैं। कार मिलेगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और ये सिर्फ थोड़ा प्राइस का है, काफ़ी ज़्यादा लोग ऊपर कोट करते हैं, तो वो अगर रिजनेबल प्राइस कोट की जाए तो लेने के लिए भी कंफर्टेबल है, जो बंदा है उसका भी माइंड इजीली बन जाता है और जल्दी बन जाता है। तो अगर आप हाई प्राइस कोट करते हैं तो फिर लोग कंफ्यूज होते हैं, यार पता नहीं क्या है, बात हो वो फिर बार्गेनिंग करने में भी हेजिटेट होता है, तो ज़रा फेयर प्राइस होनी चाहिए दोनों साइडों पर। बिल्कुल ठीक है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस कार में लगा? बहुत अच्छा, अच्छा रहा, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा रहा। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। तो अल्लाह आप लोगों के लिए, दोनों के लिए आसानी वाले मामला सुनाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।